नमस्कार, आप देख रहे हैं एमी न्यूज। मैं काजल चौधरी। इस समय मैं बनारसी के काशी में खड़ी हूँ, जहाँ पर आज सावन का आखिरी दिन है। वहीं पर श्रद्धांजलियों की रात से ही भीड़ लगी। आइए जानते हैं उनकी वो कब से लाइन लगाए हैं। उन्होंने आपका नाम कुबेर मिश्रा। आप कब से आ रहे हैं विश्वनाथ मंदिर में? ये नहीं बता सकते, नए आ रहे हैं। आप कब से लाइन लगाए हैं? 10-15 मिनट से। हाँ, आशीष यादव। आप कहाँ से? हम मैं आजमगढ़ से हूँ। तो आप यहाँ पे हमेशा आते हैं दर्शन करने के लिए? जी, हमेशा आते हैं। राजकुमार खन्ना। आप मतलब यहाँ कब से दर्शन करने आ रहे हो? डेली आते हैं। मतलब यहाँ पे कैसा इंतजाम करते हैं, मतलब कैसे इंतजाम किया जाता है पुलिस लोग? मतलब बहुत बहुत अच्छी तरह से इंतजाम हो रहा है और बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। पहले से यहाँ पर अच्छी तरह से हम लोग जल्दी से जाते हैं और चले आते हैं। यह है यहाँ पे मतलब सोशल डिस्टेंस की पालन हो रही है, मतलब कोविड-19 भी है। हाँ हाँ, सब है भैया, बहुत आराम है। मास्क तो बता अंदर बैग में रख दिया, अब लगा लिया जाएगा मास्क भी। आपका शुभ नाम? मीरा सिंह। आप मतलब यहाँ कब से आ रही हैं दर्शन करने? कब से लाइन लगी है? हाँ भाई, 5-6 साल से आ रही हूँ। रोज आप जल अभिषेक करने आती हैं? नहीं, रोज तो नहीं, सावन में आती हैं। नहीं, बस सावन में आती हूँ। शिवांशु। आप कहाँ से हैं? यही बाजू से, चेतगंज से। आप यहाँ सोमवार में हमेशा आते हैं? हाँ, अक्सर सोमवार को। और यहाँ पे मतलब जो सुविधाएं दी गई आपको सही लगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी रहनी। मास्क नहीं लगाया अभी? कोई नहीं, वो अभी कर ले रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी मास्क लिए नहीं, आके ले लेंगे। सहदेव कुमार सोनी में, गोंडा जिला अयोध्या। हाँ मैडम, हमेशा आते हैं। हमारे यहाँ सावन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, इसलिए हम लोग हर साल आते हैं यहाँ दर्शन करने महाराज से। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंकित त्रिपाठी एबी न्यूज से, और इस समय हम मौजूद है काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 1 के पास, जहाँ पर आज अंतिम सावन का अंतिम सोमवार है। यहाँ देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, दूर दूर से, बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं आखिरी सोमवार का। यहाँ पे लोकल लोग भी हैं, दूर से भी आए हैं, और कांवड़िए भी दर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं सुबह से लाइन लगी है। भक्त इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब भोलेनाथ के उनको दर्शन हो और कब वो अपने इस आखिरी सोमवार को कृतार्थ बनाएं। तो हम यहाँ कुछ लोगों से जानेंगे कि कितने बजे से वो यहाँ पे मौजूद हैं और कहाँ से आए हैं और कैसे क्या उनका है। तो आइए आप हमारे साथ, हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा हमारे साथ आएं। सर, आपका नाम क्या है? सर, त्रिशूल दुबे। आप कहाँ से आए हैं? आए हैं यहाँ जौनपुर जिला से। तो इसके पहले भी आप आए हैं? नहीं, इसके पहले नहीं आए। पहली बार आता है? हाँ। पर तो कितने बजे से आप लाइन में लगे हुए? अभी करीब 20 मिनट हुआ। अच्छा, तो 20 मिनट हुआ। तो आपके लिए ये सावन का जो सोमवार है, सावन जो भी है, उसके लिए आप मतलब आपके लिए क्या महत्व है सावन का, भोलेनाथ को? अरे, बहुत बड़ा महत्व तो है, उनका दर्शन ही सब कुछ है। जी, दर्शन ही सबसे बड़ा महत्व है। जैसा कि इन्होंने कहा कि दर्शन इनके लिए बहुत ही महत्व रखता है। आइए हम और लोगों से बात करेंगे, पीछे आइए हमारे साथ सहयोगी के साथ। आपका नाम क्या है सर? सुनील। सुनील, आप कहाँ से हैं? आंध्र। अच्छा, तो आप इससे पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आ रहे हैं? ना पहली नहीं मालूम है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको नहीं मालूम, पहली बार आ पाए हैं। आपका नाम क्या भैया? शुभम। शुभम, तो आप यहाँ लोकल है कि बाहर से? प्रतापगढ़ जी। प्रतापगढ़ से आए हैं? अच्छा, तो आप पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी? इससे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, तो आप कब से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं? अभी नहीं, इसके पहले या जितने भी अब तक? इसके पहले 1 महीना पहले आए थे। अच्छा, 1 महीने पहले आप दर्शन करने आए थे। तो आप जहाँ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि यहाँ से आप जब दर्शन करने आते हैं, आपको मतलब इसके लिए क्या महत्व है, अंदर की क्या सुविधा है या क्या व्यवस्था है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? बहुत VIP सुविधा, अभी मंदिर बन रही है नई। जी जी, तो मंदिर बन रही है, बहुत VIP सुविधा है, आप लोग को दर्शन करने में मतलब बहुत आसानी होती है? हाँ, आसानी से, आसानी से दर्शन होता है, कितनी भी भीड़ रहती है। जी जी जी, तो आप लोग मतलब बोलबम क्या है कि डायरेक्ट ऐसे ही दर्शन करने? बस डायरेक्ट ऐसे ही, डायरेक्ट ऐसे करने आया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय, ये
जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई प्रतापगढ़ से आ रहा है, कोई बलिया से आ रहा है, कोई बहुत दूर से आ रहा है, तो उसके बाद फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, आपका नाम? सरगुजा से आ रहे हैं, अखिलेश चौबे। अच्छा अखिलेश चौबे, तो आप ये बताइए कि आप इससे पहले आए हैं? ऐसे तो दसों बार आया हूँ, लेकिन सावन के मौके में नहीं आया हूँ। अच्छा, सावन के मौके पहली बार आया हूँ। जी जी, तो आपके लिए मतलब ये सावन का महत्व क्या है, आप दर्शकों को खुल के बताएंगे? महत्व वही है कि भाई आदमी को सदा सर्वदा रहना चाहिए अपना भाई प्रभु के जी जी वो में रहना चाहिए, भक्ति में रहना चाहिए। हाँ, अपने से जितना बने दूसरे के सेवा करना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए जी जी, सबका मंगल कामना के अपना वो रहता है, यही और क्या रहेगा। जैसे कि बहुत अच्छी बात कहा है इन्होंने कि दूसरों की मदद करने के लिए कामना होनी चाहिए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है, हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद है जो उन लोग की सुरक्षा में लगे हैं। लोग बड़ी दूर से आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा आगे तक दिखाएँ, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अंकित त्रिपाठी, सहयोगी वशिष्ठ साहू के साथ, वाराणसी काशी विश्वनाथ, धन्यवाद।